अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजिया। आज हम बनाने जा रहे हैं इजी पोटैटो स्नैक्स। बच्चे इसको देखकर खुश हो जाएंगे। ये स्नैक्स ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनता है। बच्चे इसको खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, ये हम वादा करते हैं। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम 3 आलू बड़ा लिए हैं, इसको हम छील लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। बच्चों के लिए हम इसको बना रहे हैं। आप लोग बनाएंगे ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इसको देखकर, और इसको बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अब इसको हम ऐसे कटिंग में कट कर लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। बस ऐसे हमको सारी पीस को काट लेना है। एक तरफ हम पानी रख दिए हैं, पानी बॉईल हो रहा है। इसमें हम आलू जो कट करके रखे थे इसको हम डाल देंगे। इसको हम बॉईल करेंगे, 5 मिनट में ये आलू पक जाएगा। इस तरह से हम पकाते हैं ना तो आलू बहुत जल्दी पक जाता है। इसको हम 5 मिनट का वेट करेंगे, लीड लगा के रख देंगे। ये देखिए आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। अब इसको हम मैश कर लेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो गया है। और ये छलनी रखेंगे, ये छलनी के ही हेल्प से हम ऐसे मैश करेंगे। नीचे कोई भी इसमें गांठें वगैरह ना जाएं, इसके लिए हम छलनी रखे हैं, तो इससे कोई गांठें उसमें नहीं जाएगी और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस ऐसे चम्मच से हम प्रेस करेंगे ना, ये जितना भी आलू है सब छलनी के नीचे चला जाएगा। बस ऐसे ही हम कर लेंगे सारे आलू को। ये देखिए आलू हमारे छलनी से सब अंदर चले गए हैं। अब ये जो भी छलनी के अंदर है इसको हम इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए आलू हमारा मैश हो गया है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक ग्राइंड कर देंगे, और ये गोल मिर्च का पाउडर है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा स्नैक में। और ये चिल्ली फ्लेक्स है, ये कॉर्न फ्लावर है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे जब तक ये डो हमारा हार्ड ना हो जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना हमको लगेगा कॉर्न फ्लावर उसको हम ले लेंगे। आप लोगों को अभी हम मिक्स करके बताते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्न फ्लावर मिक्स करेंगे। जितना आलू में मॉइस्चर होगा उतना हम कॉर्न फ्लावर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कॉर्न फ्लावर को अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। और ये आटा देखने में ये देखिए ऐसा है, टाइट हो गया है, थोड़ा हार्ड है ये। अब इसमें आलू में मॉइस्चर नहीं है। अब इसका हम अच्छे से स्नैक्स बना लेंगे। ये कटोरी से एक कटोरी कॉर्न फ्लावर लग गया है हमारा। ये देखिए हम नींबू के बराबर लिए हैं आलू को और गोल गोल कर लिए हैं ऐसे, और ऐसे हाथ से इसको हम हथेली से प्रेस करेंगे। ये देखिए ऐसे चिपटा करेंगे, चिपटा हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से हम चिपटा करेंगे, ये देखिए। बस इतना बड़ा हमको चाहिए। ये छुरी से हम डिज़ाइन बना लेंगे इसी में। बस ऐसे ऐसे हाथ को हल्का करेंगे छुरी से, ये ऐसे कट्स लग जाएंगे तो इससे डिज़ाइन हो जाएगी। ये देखने में खूबसूरत लगेगा। अगर आप लोगों को करना है तो करिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। बस ऐसे हम सारे स्नैक्स को बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए सारे स्नैक्स को हम उसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम स्नैक्स को डाल देंगे। ज़्यादा हमको गरम नहीं करना है, मीडियम हमको गरम करना है तेल को। फिर हम सारे स्नैक्स को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। उलटते पलटते इसको हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखे हैं। अच्छा सा कलर आएगा तभी हम इसको पलटेंगे। स्नैक्स हमारा कितना फूल रहा है माशाल्लाह। अब इसको हम पलट देंगे। कलर आ गया है इसमें, ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं होना चाहिए, बस मीडियम कलर रहे तब तक हमको इसको फ्राई करना है। ये देखिए इसको हम पलट दिए हैं, और बस 2 मिनट तक इसको हम और फ्राई करेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कलर इसमें अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, सारे स्नैक्स को हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बैच का भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कलर हमको इसी तरीके का चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, और माशाल्लाह कलर इसका बहुत अच्छा है। ये देखिए हम निकाल लिए हैं। अब दूसरा बैच हम फ्राई कर लेंगे। अब हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गैस की फ्लेम को हम लो किए हैं, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा फास्ट है, बस मीडियम हमको रखना है। इसी तरीके से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। 2 बैच में हमारा फ्राई हो गया है पूरा स्नैक्स। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी स्नैक्स बनकर रेडी हो गया है। इसको हम केचप के साथ एंजॉय करेंगे। बच्चे इसको खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।